या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है। अब अपने ओर हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखी जाए, और आज के टाइम पे बाप रे एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआई। जरतुआई समझते हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गाँव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर लिए। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ, अपने बीच में कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा, आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी जैसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ये सब के चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डेलिमा होती है ना, सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग है।